फनल चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फनल चार्ट हमारी हेल्प करता है चीज़ों को आसानी से समझने के लिए। जब भी हमने कोई भी जो है चार्ट क्रिएट किया है, उसमें फनल चार्ट के लिए सबसे पहले हमारे पास स्टेजेस और वैल्यू होना ज़रूरी है। इन दो चीज़ों की क्लैरिटी के बाद हमने जो है इसमें फार्मूला को ऐड करना है। एप्लीकेंट्स और फार्मूला को ऐड करने के लिए सबसे पहले इक्वल डालेंगे एप्लीकेंट्स में B5, उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे ऊपर वाले सेल के साथ, और कॉलम को लॉक करने के लिए F2 को प्रेस करेंगे। इसके बाद हम ड्रैग डाउन कर देंगे तो हमारा डाटा जो है एंटर हो जाएगा। फनल परसेंटेज को निकालने के लिए एप्लीकेंट्स को हमने डिवाइड करना है। इसके बाद हम चार्ट में जाएंगे। चार्ट में जाके हम जो है चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। अभी हमने इसमें जो है डाटा को पुट नहीं किया, तो चार्ट को सिलेक्ट करने से पहले हमें अपने डाटा को जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले अपने डाटा को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम यहाँ से चार्ट में जाएंगे, फनल चार्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसको कस्टमाइज करेंगे, चार्ट को एडिट करेंगे। इसको एडजस्ट करने के लिए हम कलर की स्कीम को चेक कर लेते हैं। अपनी मर्जी से कोई भी कलर आप इसको दे सकते हैं। आप चाहें तो लेबलिंग हटा सकते हैं, टाइटल को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से टाइटल को भी ऐड कर सकते हैं। डाटा लेबल्स में हम सीरीज का नेम दे सकते हैं, एप्लीकेंट्स के नेम के साथ शो होगा, या फिर सिर्फ वैल्यू, या फिर कैटेगरीज के नेम। यहाँ पर हम कैटेगरीज के नेम और सीरीज का नेम डालते हैं, वैल्यू का अनचेक करेंगे। स्क्रीन को एडजस्ट करेंगे। ये हमारा चार्ट क्रिएट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।